दोस्तों, सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का एक महान अस्त्र है जो एक बार किसी पर चल जाता है तो बिना उसका प्राण हरण किए वापस नहीं आता। संसार के तीन सबसे घातक और भयंकर महाशक्तियों में सुदर्शन चक्र का भी स्थान आता है। ये तीन शक्तियां हैं ब्रह्मास्त्र, पशुपत अस्त्र और सुदर्शन चक्र। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर सुदर्शन चक्र विष्णु जी के पास कैसे और क्यों आया? आखिर कौन बना था इस सुदर्शन चक्र का पहला शिकार, मतलब भगवान विष्णु ने अपने चक्र से सबसे पहले किसका वध किया था? बहुत ही रहस्यमयी है यह कहानी। मैं आपको इसका पूरा वृतांत बताने जा रहा हूं। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रजनीकांत ओझा। दोस्तों, भगवान विष्णु का एक नाम चक्रधर भी है। इनका यह नाम इसलिए है क्योंकि इनकी उंगली में सुदर्शन चक्र घूमता रहता है। इस चक्र के विषय में कहा जाता है कि यह अमोघ है और जिस पर भी इसका प्रहार होता है उसका अंत करके ही लौटता है। भगवान विष्णु ने जब श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था तब भी उनके पास यह चक्र था। इसी चक्र से उन्होंने जरासंध को पराजित किया था। शिशुपाल का वध भी इसी चक्र से किया गया था। श्री कृष्ण अवतार में यह चक्र भगवान श्री कृष्ण को परशुराम जी से प्राप्त हुआ था, क्योंकि रामावतार में परशुराम जी को भगवान राम ने चक्र सौंप दिया था और कृष्णा अवतार में वापस करने के लिए कहा था। लेकिन आरंभ में भगवान विष्णु के पास यह चक्र कहां से आया, इसकी बड़ी ही रोचक कथा है। वामन पुराण में बताया गया है कि श्रीदामा नामक एक असुर था। इसने सभी देवताओं को पराजित कर दिया। इसके बाद उसने भगवान विष्णु के श्रीवत्स को छीनने की योजना बनाई। इससे भगवान विष्णु काफी क्रोधित हो गए और श्रीदामा को दंडित करने के लिए भगवान शिव की तपस्या करने लगे। भगवान विष्णु की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने भगवान विष्णु को एक चक्र प्रदान किया जिसका नाम सुदर्शन चक्र था। भगवान शिव ने कहा, यह अमोघ है और इसका प्रहार कभी खाली नहीं जाता। भगवान विष्णु ने कहा कि प्रभु, यह अमोघ है, इसे परखने के लिए मैं सबसे पहले इसका प्रहार आप पर ही करना चाहता हूँ। शिव जी ने कहा कि अगर आप यही चाहते हैं तो प्रहार करके देख लीजिए। सुदर्शन चक्र के प्रहार से भगवान शिव के तीन खंड हो गए। इसके बाद भगवान विष्णु को अपने किए पर प्रायश्चित होने लगा और वे शिव की आराधना करने लगे। शिव जी प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि सुदर्शन चक्र के प्रहार से मेरा प्रकृत विकार ही कटा है, मैं और मेरा स्वभाव क्षत नहीं हुआ है। यह तो अच्छेद्य है और अदाह्य है, आप निराश न होइए। मेरे शरीर के जो तीन खंड हुए हैं अब वो हिरण्याक्ष, सुवर्णाक्ष और विरूपाक्ष महादेव के नाम से जाने जाएंगे। दोस्तों, भगवान शिव अब इन तीन रूपों में भी पूजे जाते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु जी ने श्रीदामा असुर से युद्ध किया और सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। इस घटना के बाद से ही सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु के साथ सदैव रहने लगा। दोस्तों, सुदर्शन चक्र से भगवान विष्णु ने सबसे पहले श्रीदामा असुर का ही वध किया था। तो धन्यवाद दोस्तों, यदि आपको यह वृतांत अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।